दिखेगा। के खास प्रोग्राम बोल जनता बोल में एक बार फिर से आपका धनबाद विधानसभा के धनबाद शहर में ही आप सबों का स्वागत है। धनबाद से मैं सीधे जुड़ता हूं यहां के पब्लिक से और जानेंगे जो इस 5 साल के दरमियान जितना बहुमत की सरकार के बावजूद कितना विकास हुआ, राज्य का कितना विकास हुआ, धनबाद का और लोगों का कितना विकास हुआ, क्या कुछ है समस्याएं, क्या कुछ इस धनबाद के लिए उन्होंने देखा है इन 5 सालों के दरमियान और क्या कुछ अपेक्षाएं थी जो बाकी रह गई है। बहुत सारी पब्लिक है यहाँ पे जो बुद्धिजीवी भी है और जानकारी रखती है, लेकिन पब्लिक है बोलती है बहुत सोच समझ कर, लेकिन समय पे बोलती जरूर है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, चलते हैं सीधे पहले इनके पास। ओपी, क्या लग रहा है आपको राज्य में बहुमत सरकार, केंद्र में बहुमत की सरकार, अब विधानसभा चुनाव आ गया नज़दीक, फिर वही घोषणाएँ होंगे, दावे होंगे, कितना विकास हुआ है राज्य का और धनबाद का? यहाँ तो मैं 25 साल से देख रहा हूँ, आज तक एक फ्लाई ओवर नहीं बना सका धनबाद की समस्या से। पेशेंट आती है कतरा से, रास्ते में दम तोड़ देती है जाम में, आज तक एक फ्लाई ओवर सरकार नहीं दे सकी, ये 15 साल की सरकार होने जा रही है। निश्चित रूप से जाम की समस्या है यहाँ पे, क्या है, भ्रष्टाचार उतना ही बढ़ा हुआ है। किसी भी ऑफिस में जाइए साहब लोग पहले से फिक्स करके तैयार हैं, क्या भ्रष्टाचार है? अर्थव्यवस्था सही है, पुलिस की मनमानी सही है, क्या बदलेगा धनबाद आज तक कुछ ना बदला है ना बदलेगा। नहीं बदलेगा शहर लेकिन सुंदर हो गया है ये तो दिख रहा है। शहर मेयर साहब के लिए सुंदर किए, हिटलर साहब सरकार है तो सुंदर तो करेंगे, दूसरे के जमीन हड़पेंगे ही, वो उनकी तो ये नीति है, किसी भी विभाग की जमीन को हड़प लेते हैं, बड़क जो है अपनी मराद बता देते हैं। अच्छा, मतलब ये देखिए, ये पब्लिक है, आक्रोश है, आपको क्या लगता है विकास हुआ है? फिर आएंगे आपके पास, आपको क्या लगता है विकास हुआ है इस धनबाद का और झारखंड का? अब धनबाद और झारखंड के विकास की बात करें तो जिस गति से होनी चाहिए या जिस गति को हम लोग को फोकस सामने दिखाया जाता है अखबार के माध्यम से या हमारे जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। हाँ, सड़कें जरूर कुछ बनी हैं, कुछ सौंदर्यीकरण का कार्य धनबाद में सौंदर्यीकरण का कुछ काम जरूर किया गया निगम द्वारा, बाकी क्षेत्र में अगर आप देखें तो कहीं पर ऐसा कोई विकास नज़र नहीं आता है। मीन्स कि आम लोगों की जो समस्याएं थी धनबाद में वो लगभग जस का तस बना हुआ है, और अभी फिर चुनाव आ गया, अब फिर घोषणा का देखिए बाढ़ आना चालू हो गया 10 तरह का। अभी अब ट्रैफिक नियम एक बना, वो ट्रैफिक नियम को ध्वस्त कर दिया गया कि 3 महीना के लिए उसको ड्रॉप किया जा रहा। क्यों भैया, आखिर रीज़न क्या है? सीधी सब बात है, ये 3 महीना के अंदर चुनाव का हो जाना है, उसके बाद फिर पब्लिक को जो है तैयार रहना पड़ेगा डंडा खाने को। अगर आप ठीक है इसमें अगर आपको कुछ संशोधन करना तो उसको कर देते, जैसे गुजरात में किया कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन करके इसको लागू कर दिया, बट आप एकदम सीधा सीधे नकार रहे हैं। इससे साफ झलकता है कि इसी तरह का काम आप चुनाव, क्या लग रहा है बहुमत की जो सरकार है ये तानाशाह रवैया अपनाए हुए है, पब्लिक के हितों से कोई मतलब नहीं है? पब्लिक हितों से ये तो सीधा सीधी देखिए, चुनाव जितने भी हैं वो जीतने के लिए होता है, जीत चाहे जैसे मिल जाए, साम दाम दंड भेद, साम ये 3 चीज राजनीति में है तो ये लोग अपना रहे हैं। हाँ, अगर विकास की बात अगर किया जाए तो जो बेसिक नीड था, आप फिर अभी पता चल रहा कि माइथन से फिर 500 करोड़ या कुछ का जो है, लगभग 500 करोड़ का पानी जो है फिर धनबाद आएगा पाइपलाइन के माध्यम से। तो ये हमको बताइए कि अभी तक जो काम हुआ है वो कितना आपका सफल है? चलिए, और ये इतना जो पैसा लगा रहे माइथा ने, पानी है क्या? जब पानी है नहीं तो फिर 500 करोड़ कहाँ लगा रहे भाई आप? तो ये विकास हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बूंद दिख रही है। आएंगे फिर आपके पास क्या लग रहा है भैया कितना? देखिए धनबाद अमूमन प्रदूषण के लिए धनबाद पूरा जाना जाता है। जो बोले उसे मैं अपना सहमति देता हूं और ये गलत नहीं है, ये सरासर सत्य है। यहाँ आपसे बात कर रहे थे प्रदूषण की, धनबाद बहुत प्रदूषण के मामले बहुत परेशान है यहाँ का लोग, तो उस दिशा में जाम का समस्या से सबसे बड़ी बात है। आज हम हेलमेट लगा के घूम लेंगे, 3 महीने के बाद में हेलमेट नहीं फिर समूचा चीज चाहिए।
बस ये 3 महीने का मोहलत क्यों भैया, 3 साल का क्यों नहीं, कुछ तो रियायत होनी चाहिए। देखिए इसमें तो आपके जान के ख्याल करके तो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के डंडे से तो फिर डर किस बात का, पेपर आपके पास कंप्लीट है, हेलमेट है, तो फिर आपको डर क्यों? हम लोग का बन नहीं रहा, जाइए भीड़ कितना है देखिए, अब हम 63 साल का हो गए, हमारा बोलता लाइसेंस नहीं बनेगा, क्या आप हमारा बनवा देंगे? क्या लाइसेंस आपका पहले नहीं था? खत्म हो गया, अब बोल रहा है कि 1 साल का बनेगा, नहीं आपका नहीं बनेगा, आपका एज निकल गया, एज फैक्टर है। चलिए ये कुछ तकनीकी गड़बड़ियां हैं, आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है अपने धनबाद का और अपने राज्य का? देखिए ऐसा है कि जो मूलभूत जो समस्या है, जैसा कि पूर्व में भी वक्ताओं ने कहा कि जो जाम की समस्या है वो निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा है। हालांकि सड़कों का बहुत चौड़ीकरण हुआ है शहर में, लेकिन इसके बावजूद भी जो है जाम की स्थिति जो है वो जस की तस है, और फ्लाईओवर की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कोई खास काम यहाँ पर नहीं किया है। कोयलांचल विश्वविद्यालय तो दिया है धनबाद को ही है, वो कोयलांचल विश्वविद्यालय तो जब हम लोग IIT भी बना है, ISM नहीं, वो सर ISM भी पहले से थी, उसका IIT केवल नामकरण हुआ, अपग्रेड कर दिया गया बिल्कुल। और कोयलांचल विश्वविद्यालय तो 30 साल पुराना हम लोगों का मांग था, हम लोग जब बच्चे थे पढ़ते थे स्कूल में तब से यूनिवर्सिटी की मांग हो रही थी, वो अब पूरा हुआ। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का जो स्तर, जो लेवल है वो ऊंचा होना चाहिए, इस तरह का कोई लेवल जो है ऊंचा अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। और तीसरी चीज़ जो प्रदूषण की बात बोले, बिल्कुल सही बात है कि प्रदूषण तो इस कदर है कि अगर आप केंदुआ करकेंद का रूट पकड़िए या झरिया का रूट पकड़िए तो जो कपड़ा पहन कर आप जाइएगा वो दोबारा तो पहनने के लायक आपका वो नहीं रहता कि दोबारा आप उसको पहन सकते हैं। और पॉल्यूशन के कारण जो है धनबाद के लोग सांस की बीमारी, चमड़े की बीमारी से इतने ज़्यादा मतलब प्रभावित है कि मुझे नहीं लगता है कि और किसी दूसरे जिले में इतना प्रभावित वो रहते होंगे, ये स्थिति यहाँ की है। निश्चित रूप से देखिए प्रदूषण जो है कि यहाँ बहुत बड़ा इशू है और इसको लेकर किसी भी जनप्रतिनिधि ने गंभीरता नहीं दिखाई है। आपको क्या लग रहा है, एक आप छोटे व्यवसायी हैं, सरकार की योजना है मुद्रा लोन छोटे व्यवसायियों के लिए, अभी तुरंत केंद्र सरकार ने 3,000 रुपये पेंशन की भी घोषणा की है, ये क्या अच्छा पहल है जिसको राज्य सरकार भी सपोर्ट कर रही है? पहल कागज़ तक ही सीमित है क्योंकि बैंक वाले इतना प्रोसेस बता देते हैं कि वो आम आदमी के सक्षम में नहीं है कि वो सामान दुकान बंद करके दौड़े और वो पेपर डॉक्यूमेंट पूरा करे, और वो डायरेक्ट कुछ बोलते भी नहीं है, ये लाइए तो हो जाएगा, वो लाइए तो हो जाएगा, मिल टाल मटोल की नीति है, बोलते हैं कि यहाँ हम लोन दे के फंस गए, वहाँ लोन दे के फंस गए, भाई आप दीजिएगा तब ना फंसिएगा, आप तो बिना दिए फंस जाते हैं। और रहा बात विकास का, तो आपको चाहिए खाना और आपको दे दिया हम मोबाइल, आपको चाहिए कपड़ा हम दे दिए आपको मल्टीप्लेक्स हॉल, तो मूलभूत आवश्यकता को आप देखिए ना, अब हमारे बगल में तालाब है उसका सौंदर्यीकरण कर दिया, ठीक है, और रोड का व्यवस्था ही नहीं की है, उसका पार्किंग का व्यवस्था ही नहीं किया, दुकानदार के सामने दुकान गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो ये दुकानदार बोलते हैं हम गाड़ी कहाँ लगाएंगे। अच्छा सबसे बड़ी बात है, यहाँ हम लोग आज 25 साल से एक शौचालय था जिसमें 5 कमरा जेंट्स के लिए था और 2 कमरा लेडीज़ के लिए था, उसको विध्वंस कर दिया, विध्वंस मैंने एकदम नेस्तानाबूद कर दिया गया, तो उनको हम लोगों ने विरोध किया कि भाई ये क्या होगा, तो बोले आपका बना दिया जाएगा। अब क्या किया कि आर्टिफिशियल प्लास्टिक वाला जो मोबाइल वाला टॉयलेट है वो लगा दिया गया, उसमें ताला बंद कर दिया, उसमें ना पानी है ना कोई स्वीपर है ना कोई है। हमने 2-4 बार नहीं 5 बार मुख्यमंत्री जन संवाद में भी ये रिक्वायरमेंट भेजा कि भैया हम लोग को पोलटेंगे चौराहा में छात्र छात्राएं हैं, महिलाएं उतरती अपने गंतव्य को जाती है, यहाँ से लोग भूली कतरास तक जाते हैं, अगर उनको बाथरूम लगता है तो वो इधर उधर झांकती है और कल को दुर्घटना होता है तो बोलते लड़का छेड़ दिया। तो चूंकि आपने व्यवस्था नहीं बनाई है, मेयर साहब से भी मैंने कहा तो मेयर साहब ने यहाँ के पार्षद मनोरंजन को बोला कि आप उनको देखिए, उनको भी कहा तो कोई सुनवाई नहीं है, मूलभूत आवश्यकता ना दे करके आप बड़ा बड़ा चीज़ दे दें, मल्टीप्लेक्स हॉल दे दीजिए, आप यहाँ पे 8 लेन का रोड बना दीजिए, जहाँ पे आदमी के पास कुछ है नहीं वो 8 लेन रोड पर क्या चलेगा। निश्चित रूप से देखिए बेसिक नीड जो है उसको पूरा करने की जिम्मेवारी तो सरकार और जनप्रतिनिधि को इसको प्रायोरिटी पर लेना ही चाहिए। यहाँ 8 लेन सड़क का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा, फ्लाईओवर के लिए भी सेंशन कर दिया गया, लेकिन उस 8 लेन की सड़क के बनिस्बत अगर सही से शौचालय का निर्माण हो जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले जगह में बाजारों में इसकी बहुत कमी देखी जाती है, ऐसी स्थिति में नगर निगम क्या कर रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। आपको क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है अपना धनबाद का, धनबाद की ही बात कर रहे हैं क्योंकि धनबाद शहर में आप रह रहे हैं, पिछले कई टर्म से आपने वोट भी दिया होगा, आप जो जिस सोच के जो अपने नेता को चुने हैं आपका सोच पूरा हुआ, वो अपेक्षा पूरी हुई?
देखिए कतई नहीं हुआ। आज देश में जो माहौल बनाया गया है पाकिस्तान और दो संप्रदायों को बांटने का, इससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। वो एक मुद्दा अलग है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी सरकार को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आज जो बेरोजगारी का आलम है देश में, जो दो तीन गलत कदम GST नोटबंदी और ये सब उठाए गए, उसका जो मार्केट में जो स्थिति है, देश में जो मंदी है, हम लोग व्यापारी वर्ग हैं, हम लोग का पेट भरना मुश्किल हो गया है। तो सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, हिंदू और मुस्लिम से देश की समस्या हल नहीं होगी। वो एक अपनी जगह है, ठीक है, हम भारतीय हैं, हमारे दुश्मन हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्रवाद और धर्मवाद जो होता है वो अपनी जगह है। लेकिन एक देश में आदमी को मूलभूत सुविधाओं को की जरूरत है, जिसमें आदमी अपना जीवन यापन कर सके। हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान मुर्दाबाद करने से पेट नहीं भरने वाला। निश्चित रूप से देखिए, ये इन्होंने सही कहा है। आप भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है अपने शहर का या अपने राज्य का? शहर की ही बात कर लें हम। यहाँ पर सर अभी पहले की अपेक्षा रोड की जो स्थिति है काफ़ी पहले से बहुत सुधरा है रोड की स्थिति। और यहाँ पर सर बेरोजगारी की समस्या, सर यहाँ से काफ़ी लोग जो है बाहर पलायन कर रहे हैं। दिल्ली, बॉम्बे के लिए लोग जाते हैं, नौकरी अपना काम करते हैं। यहाँ पर जो बेरोजगारी की समस्या काफ़ी है। और यहाँ पर एक चीज़ और होना चाहिए सर, हवाई अड्डा की वजह से सर हम लोग जब कभी कभी कलकत्ता से हम लोग को दिल्ली जाना रहता है तो 2 घंटा में दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन कलकत्ता से धनबाद आने के लिए 5 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर हवाई अड्डा का भी सर यहाँ पर ज़रूरत है। हवाई अड्डा का है, प्रपोजल गया था, लेकिन वो बोकारो शिफ्ट हो गया और इधर देवघर शिफ्ट हो गया जी। लेकिन धनबाद में होना चाहिए सर। यहाँ के सर जो प्रतिनिधि हैं सर, उनके उदासीनता के कारण जो है यहाँ से आपका चला गया बोकारो में और देवघर में चला गया। धनबाद यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा है, धनबाद की जनसंख्या ज़्यादा है, धनबाद का यहाँ का जो भी मार्केट भी बहुत बड़ा है, फिर भी नहीं है सर यहाँ पर हवाई अड्डा। यहाँ पर हवाई अड्डा होना चाहिए। यही रोड है। कोई व्यवस्था नहीं है रोड पे। जी सर, देख लिए, ये है नगर निगम का क्षेत्र जहाँ ऐसे नज़ारे आपको अमूमन देखने को मिल जाएंगे। जी आप कुछ कह रहे थे, बताएं आप क्या कह रहे थे। जी आप बोलिए क्या बता रहे थे। यहाँ पर सर पहले भी जो बिजली की जो व्यवस्था थी सर, जब ट्रांसफार्मर जलता था तो 1 सप्ताह 10 दिन आता था सर, ट्रांसफार्मर लगता था, लेकिन अब देखते हैं कि 24 घंटा 48 घंटे में ट्रांसफार्मर के कुछ सुधार हुआ है। पहले के बनिस्पत सर सुधार हुआ है सर, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्योंकि पहले भी हम लोग रोड पर सर, हम लोग जब निकलते थे तो रोड बहुत ही पतला था, आज रोड चौड़ीकरण हुआ और मतलब मिला जुला कर सर रोड की स्थिति पहले से बेहतर है सर। पहले सड़कें निश्चित रूप से बेहतर हुई है, लेकिन अमूमन जिन बातों को लेकर युवा अभी भी पलायन का उपाय किए हुए हैं, जैसे अभी एक सज्जन ने बताया कि अभी भी बैंक जो है मुद्रा लोन का स्कीम तो सरकार लागू कर रही है, लेकिन लोगों को बैंक अभी भी ऋण देने से आनाकानी कर रहे हैं। वैसे लोगों को ही ऋण दिया जा रहा है जिनकी पेइंग कैपेसिटी है, जो पहले से सक्षम है। तो ऐसी स्थिति में नए लोग और छोटे लोग और गरीब लोग कैसे अपना व्यवसाय स्टार्ट कर पाएंगे, ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात होगी। कहीं जाइएगा नहीं, बस लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार और भी कुछ लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं लोग, ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे उनसे और जानेंगे और आगे उनके मन की क्या बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है न्यूज 11 के इस खास कार्यक्रम में। ये यहाँ की जनता, शहर की जनता का अपना दर्द है कि सड़कें चौड़ी हुई है, शहर सुंदर हुए हैं, लेकिन जो आम आदमी की जरूरत होती है, आम आदमी को एक रोजगार का, एक युवा को रोजगार का चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। प्रदूषण की जो समस्या है इस शहर को, इस जिले को, उससे मुक्ति कर दिलाने में किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है। चलते हैं फिर से इन सभी के पास। आपको क्या लग रहा है कितना बदला है अपना धनबाद? बदला है थोड़ा बहुत सर, बदला, विकास हुआ है। हाँ, 5 साल में आप यहीं रहते हैं, वोट दिए थे पिछले बार? हाँ, दिए थे। आपने जो सोच कर नेता को अपना चयन किया था, उन अपेक्षाओं पर आपके नेता जो जनप्रतिनिधि है वो सक्सेस हुए हैं या आप पूरा किए आपकी अपेक्षा को? उतना तो पूरा नहीं कर पाए, फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है सर।
थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ, क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं बगल में सर। छोटे व्यापारी हैं। छोटे व्यापारी के लिए अभी सरकार ने एक योजना लाया है, 3000 रुपया पेंशन का स्कीम जो है छोटे व्यापारियों को लिए है सिर्फ। तो ये योजना को क्या आप छोटे छोटे व्यापारियों के लिए अच्छा मानते हैं? मुद्रा लोन भी है छोटे व्यापारियों के लिए। अच्छा मानते हैं, बट हम लोग के पास पहुँचे तब तो सर, अच्छा तो मानते हैं लेकिन हम लोग के पास पहुँचे तब तो पहुँच नहीं पा रहा है। नहीं पहुँच पा रहा सर। आप प्रयास कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहा। नेताओं को संपर्क कर रहे हैं? नेताओं से? नेताओं से संपर्क नहीं पड़ा। जीतने के बाद कौन किससे मिलने आता है सर, ये पहले बताइए। जीतने के बाद कोई मिलने आता है? हालचाल जनता का हालचाल पूछने कोई आता है? नहीं आता सर, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। देखिए यही दुर्भाग्य है, नेता जब जीत के चले जाते हैं सदन में, उसके बाद फिर उन्हें देखने और पूछने वाला यहाँ की जनता का क्या हाल है उसको कोई पूछने देखने वाला नहीं है। कुछ और लोग हैं, चलते हैं उनसे। आप बताएं क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ अपने धनबाद? हमने देखा है कि झारखंड जब से अलग हुआ है 2001 से, विकास के नाम के तो कुछ चीज़ नहीं है हमको नजर आया। कुछ भी नहीं, सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी, धनबाद शहर की बात करें तो पहले भी थी और वो हमेशा समय के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन सरकार ने विकास किया ये हमको नज़र नहीं आया, किसी भी चाहे गवर्नमेंट का सरकार हो। क्योंकि अभी जितना साल बंटवारा का हो गया उसमें से 17 साल लगभग 15 साल बीजेपी की सरकार रही, और यहाँ से माननीय सांसद मेरा पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। हमारे लोग का जाम का समस्या है, पुल निर्माण का समस्या आज तक नहीं हो सका। 3 बार सांसद भी यहाँ से रह चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। उनके रहते हुए अगर विधायक भी थे, उनके बाद सांसद ही बने, तो हर बार हम लोग दे रहे हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया। सही में आपको क्या इनकी बातों से आप ये जवाब रखते हैं? देख रहे हैं सर, ये 6 साल पहले देखते हैं तो आपको समझ में आया क्या था। आज स्थिति ये है, ये आज झारखंड के दुकानदारों का चेहरा है, मैं चेहरा बता रहा है। आज के डेट में छोटे दुकानदार रोड पर आ जाएंगे एक आध साल में, और इस तरह क्योंकि FDI, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, ऑनलाइन शॉपिंग और कंपनी लोग डायरेक्ट हो, जो कंपनी से डायरेक्ट वो लोग माल उठा रहा, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेते हैं जो कि वो डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग नेट से भी माल बेच दे रहा है। तो सर दुकान सर हम लोग ऑटोमेटिक बैंक से दुकान कर्ज किए हैं तो नीलाम हो जाएगा सर, खुदरा विक्रेता लोग सब मर जाएगा, भूखे रोड पर आ जाएगा। आप अपनी बातों को अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम किए हैं? कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई सुनवाई नहीं, कोई किसी भी देखने वाला नहीं है। आपके विधायक जी और सांसद सुनते नहीं है? मुलाकात होगी तब तो। अरे विधायक जी के मुलाकात भी नहीं होती है? मुलाकात भी नहीं होती है। ये जो चेहरा है सर, 6 साल पहले फोटो देख लीजिएगा और अभी का, आपको समझ में आ जाएगा क्या कि छोटा दुकानदार 6 साल पहले क्या था और आज क्या है। देखिए ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं, छोटे व्यापारियों के लिए शायद इस सरकार में जगह नहीं है जैसा कि ये मानना है, लेकिन सबसे गंभीर बात है जो ना विधायक जी मिलने आते हैं इनसे ना सांसद महोदय, अब देखा जा सकता है। आप क्या कहना चाह रहे थे? विधायक जी बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं, धनबाद के मधुर भाषी, इतनी मधुर भाषी हैं कि सारा गुड़ चुटी खा जाते हैं उनके वहाँ पे चाल को घेर करके। भाजपा के साथ रहिए, उसके झंडा ढोइए, उनकी बात कीजिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ उनसे अलग हुए आप सदा धनबाद जेल में पाइएगा अपने आपको। ढुल्लू महतो पे इतनी जोर से बलात्कार का केस उठा, क्यों नहीं उन पर केस हुआ? प्रदीप यादव पे एक आवेदन गया, उन्हें जेल जाना पड़ता है। बीजेपी के खिलाफ बोलना अपने आप में तलवार मार लेना है। मतलब आप क्या आप इशारा क्या कर रहे हैं, जो बहुमत की जो सरकार है ये तानाशाह रवैया। हम कुछ भी करें काला धंधा उसे कोई सरकार नहीं रोक सकती है। विचार किया जाए, समझे ना, ये तो मतलब पब्लिक को मरण हो गया। अब इससे बढ़िया लगता है कि हम लोग MCC में भर्ती हो जाए लेकिन इसमें नहीं रहे, समझ गए ना, ऐसा लगता है। पुलिस से इतना डर लगता है कि कुछ कहने का नहीं। क्यों डरते हैं आप पुलिस से? इसलिए कि घर से आप हर समय क्या हेलमेट, घर से यहाँ निकले तो हेलमेट लेकर आवे, यहीं पर रहना है, दुकान में रहना। अब यहाँ पर धर लिया तो बोलता कहाँ से, अरे उसका कम से कम लोकेशन देखा जाए कि कितने दूरी से आ रहे हैं, कहाँ तक से जा रहे हैं। अब देखिए इस बात में आपका इस तर्क में दम नहीं है, क्योंकि हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। आप आधा किलोमीटर से ही क्यों नहीं आ रहे? अगर गिर गए, कोई एक्सीडेंट कर दिया तो चोट आप ही को लगेगी। फाइन भी वो तरीका है ना। इतना डर लगता है कि हम इतना स्पीड में भागे उससे कि हो सकता है हम एक्सीडेंट करके। 100 रुपया भी फाइन होता था, कहाँ आप सुधरे? एक दोस्त हमारा 1000 रुपया कर्जा लेके जा रहा था हॉस्पिटल अपनी माँ को दिखाने के लिए, उसको पुलिस पकड़ा
और उससे पैसा छीन लिया चलान के नाम पे, हेलमेट के नाम पे, उसकी माँ मर गई बेचारे हॉस्पिटल में। एक चीज और सर, दवा नहीं मिला, बता रहे हैं ये सरकार कि ठीक है भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो आप हेलमेट को जो लगाते हैं 5,000 या 2,000 उसको आप उसका अवेलेबल करवा दीजिए, उसी समय काट के दीजिए उसको कि जाओ तुम लेकर आओ तब गाड़ी लेकर जाओ। लाइसेंस का DTO साहब को बोला जाए कि इसका लाइसेंस बनवा दीजिए जितना जल्दी, पैसा जो है जो अनाप शनाप वहाँ पर जाने पर मांगता है टैक्स, अगर वो ऐसा काम करना है भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो अवेलेबल रखे वहाँ पर देन एंड देयर, वहीं पे जो होना है करना है वहीं पर किया जाए। निश्चित ये एक अच्छी सलाह है, एकदम मौके पे ही अगर उसका इलाज कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार की जो कहीं एक सीमा दिखती है, करप्शन का जो एक बू आता है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। क्या लगता है अब फिर से एक बार वापस हम धनबाद की ही बात करें, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ धनबाद की बात करें, धनबाद विधानसभा में लंबे समय से आप रह रहे हैं, बदलते दिखा है आपको धनबाद सही मामले में? देखिए इसमें अगर निष्पक्षता से देखा जाए तो अगर विधानसभा के नज़र से देखिएगा कि विधानसभा चुनाव हो रहा है, इतना दिन रघुवर जी की सरकार रही चाहे बीजेपी की, अगर थोड़ा भी विकास का काम यहाँ पर हुआ जो दिख रहा है वो प्योर नगर निगम का काम दिखता है। उसमें अगर क्रेडिट किसी को देना है तो आप धनबाद नगर निगम के मेयर साहब को दे सकते हैं, सिंपल। और बाकी विधानसभा के हैसियत से अगर देखे, झारखंड विधानसभा के हैसियत से, उसके हैसियत से तो कहीं पर आपको बहुत कुछ नहीं दिखेगा। आज यही भाजपा सरकार हर जगह जहाँ जहाँ गुजरात से आया बिहार में आया शराबबंदी के नाम पे, झारखंड में क्या दुश्मनी है भैया झारखंड के लोगों से? क्यों नहीं शराबबंदी यहाँ कर रहे हैं? क्या यहाँ पर मिनरल्स कम है? रॉयल्टी के लिए क्या सिर्फ एक साधन है? सबसे धनी राज्य है आपका झारखंड खनिज संपदा के मामले में, शराब की क्या आवश्यकता थी? आप बंदी करते लेकिन नहीं आप करते, ये आपकी दोहरी नीति क्यों? चौक चौराहे पे कई कई दुकान खुल गए, एक एक चौक। भाई साहब खाली चौक चौराहे में शराब खुलने से क्या नहीं है? आप एक तरफ नशा मुक्ति की बात करते हैं, शराब के साथ साथ अन्य नशीले चीज आपको इस धनबाद क्षेत्र में मिल जाएंगे, तो ड्रग्स वगैरह भी कहीं ना कहीं अवेलेबल है। अगर देखिए मुख्य रूप से क्या है कि थोड़ा सड़क, कुछ तालाब के सौंदर्यीकरण वगैरह वगैरह को अगर माइनस कर दें तो जो पब्लिक का नीड जो है ना वो आपको पूरा नहीं। आप छात्र नेता रह चुके हैं अपने ज़माने में, धनबाद में हायर एजुकेशन की क्या स्थिति है अभी वर्तमान समय में कहें, क्योंकि अभी भी लड़के बाहर जाते हैं पढ़ने? हायर जस का तस है, 20 साल पहले की जो स्थिति थी सेम स्थिति आज भी है। आज अगर आपके बच्चे हैं 10th तक तो किसी तरह से आप करवा लिए, चलिए 12th तक करा लिए, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है धनबाद में बच्चे को रखने का, या तो आप दिल्ली भेजें, कलकत्ता भेजें, कहीं भी बड़ा शहर आपको भेजना पड़ेगा। उस पर कहीं भी एक भी ऐसा कॉलेज नहीं खुला जो जिससे कि धनबाद का बच्चा धनबाद में रह जाए, ऐसा नहीं है। ये आज कम से कम हमको लगता है 25-30 साल बैक में भी जाके आज देखिए, उस समय भी पीके राय कॉलेज हुआ करता था, गुरु नानक कॉलेज हुआ करता था, SSLNT कॉलेज हुआ करता था, आज भी है। ISM था, उसका नाम आप IIT दे दिए, IIT में अपग्रेड कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया, बट आपने नया ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ छूट भैया ITI बहुत सारा का जरूर लाइसेंस आपने दे दिया जिसमें गोरख धंधा चल रहा है, मेडिकल कॉलेज का सीट घटते जा रहा है, बिल्कुल मेडिकल सीट, आप कुछ बताए ना, शिक्षा के नाम पे तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हुआ युवाओं को रोजगार के लिए, रोजगार की जो स्थिति है कि आप बताइए ना, के को फैक्ट्री खुला, फैक्ट्री जो है कितने फैक्ट्री खुले, इवन फैक्ट्री बंद हुए, फैक्ट्री खुले कहाँ? तो फिर विकास किस रूप से देखना चाहिए हमको? अगर कुछ सड़कें बनी है तो सड़कें तो भाई वो तो केंद्र से आता है, कुछ कुछ पैसा बन जाता है, बिल्कुल जी। निश्चित रूप से देखिए बहुत सारे सजेशन भी मिले हैं यहाँ धनबाद की जनता से, जो अगर सरकार इन मुद्दों पर देखे सोचे और जनप्रतिनिधि अगर इस पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से शहर जो अभी सिर्फ कुछ चेहरे उसके बदले हैं, लोगों का जो बेसिक नीड है उसको भी पूरा करने में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल की जा सकती है। बस
न्यूज 11 के इस विशेष प्रोग्राम बोल जनता बोल में आज बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे धनबाद जिले के किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में और जानेंगे वहाँ की जनता से वहाँ के कितना विकास हुआ है और उनके अंदर के दर्द को सामने लाने का प्रयास करेंगे। बस आज इतना ही और दीजिए हमें धनबाद से इजाज़त। नमस्कार।